जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इतनी प्रिय कि भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम का विवाह तुलसी के साथ होता है। वहीं तुलसी भगवान गणेश को अप्रिय है, इतनी अप्रिय कि भगवान गणेश के पूजन में इसका प्रयोग वर्जित है। पर ऐसा क्यों, इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। एक बार श्री गणेश गंगा के किनारे तप कर रहे थे। इसी समय धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में लीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों की माला थी। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग होने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश को दो विवाह होने का शाप दिया। इस पर भी श्री गणेश ने तुलसी को शाप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम एक पौधे का रूप धारण करोगी। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग तब भी नहीं होगा। मुझे तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।